नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा दुबे, जो कि जौनपुर के बदलापुर से विधायक हैं। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। सबसे पहले हम बातों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले हम जानना चाहेंगे आखिरकार बदलापुर में आपने क्या ऐसा खास किया जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि 2017 में आप रिपीट करेंगे, यानी कि आपकी सरकार सूबे में एक बार फिर से रिपीट करेगी। हमारी बदलापुर विधानसभा, आप जानते होंगे कि पिछली बार जो हम लोग चुनाव लड़े हैं तो सब परिसीमन होकर नए नए क्षेत्र बने, तो बदलापुर विधानसभा नई विधानसभा बनी थी और उसमें सवा दो ब्लाक के करीब हैं। एक बदलापुर ब्लाक है, एक महाराजगंज ब्लाक है, बक्सा ब्लाक का आंशिक गांव भी है और बदलापुर तहसील पूरी बदलापुर विधानसभा है। तो जब हम विधायक बने, पिछली बार बनने के बाद हमने पहले भी वहाँ पे अलग अलग बदलापुर ब्लाक खुटहन विधानसभा में थे, वहाँ दो बार मैं निर्दल भी लड़ा था। तो उस क्षेत्र से करीब करीब मैं हर गांव से, एक ब्लाक के पूरे गांव से हर लोगों से परिचित था और उस ब्लाक ने मुझे, जब मैं निर्दल भी लड़ा था तब भी मुझे उस ब्लाक ने जिताया था। हमेशा उस ब्लाक में मैं 10,000-15,000 वोटों से वहाँ लीड करता था, तो उस सारी स्थिति परिस्थिति से मैं वाकिफ था। फिर बाद में जब विधायक हुआ, सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश जी बने और चूंकि सत्ता पक्ष का विधायक था तो मुझे मौका मिला काम करने के लिए हमारे वहाँ, और वह स्नेह भी हमारे मुख्यमंत्री जी का था हम लोगों के साथ। तो वहाँ पे पहले सड़कों की जो समस्या थी, सड़क, पानी, बिजली की समस्या थी, तो बिजली के लिए भी हम लोगों ने, जैसे वहाँ हमारी विधानसभा में हमको सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री जी का, जैसे कि हमारे यहाँ 3-3 बार 24 घंटे बिजली और शेड्यूल जो बिजली का अभी भी सब बहुत बेहतरीन शेड्यूल है जिससे लोगों को कम से कम बिजली की कमी नहीं बिल्कुल से खलती है। नए पावर स्टेशंस 2 बन चुके, नए वो चालू भी हो गया और 2-3 प्रपोजल में है जो बनने जा रहे हैं। सड़क करीब हमारे यहाँ 300 अभी तक जो मुझे बन चुकी है, 387 किलोमीटर नई पुरानी सड़कें हमारी विधानसभा में बनी। उसके अलावा चेक डैम भी हमने हमारे विधानसभा में, 3 नदियों के बीच में, एक पीली है, सही है, गोमती, सही गोमती के बीच में एक पीली नदी, तो चेक डैम भी उस पर हमने बनवाए 14 चेक डैम, जिससे हमारा एक वाटर लेवल जो पानी की समस्या थी वो ख़त्म हुई। सरकारी तन से भी नल वगैरह तो लगी, उस हमने पर्सनल अपने उससे भी 1100-1200 नल हमने पर्सनल उससे लगवाई और 971 अब तक सरकारी लग चुके हैं। आने वाले समय में 100 नल अभी और मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को दिया था, वो भी लगने जा रही है। साथ ही साथ वहाँ पर वाईफाई अरुण फाउंडेशन के द्वारा फ्री, जो कि एक आप देखेंगे कि एक तहसील टाउन एरिया पर लेवल पे, कस्बे के लेवल पे इस प्रदेश में पहली बार है। साथ ही उसके अलावा अभी नेशनल फ्लैग हमारा वहाँ पे उत्तर प्रदेश का जनेश्वर मिस पार्क के बाद 2nd हाईएस्ट ऊंचाई का लगाया गया और चौराहे का निर्माण भी हम लोगों ने निजी संसाधनों से अरुण फाउंडेशन के द्वारा कराया। इन तमाम चीज़ों के अलावा हमारे यहाँ जो एक होता था, जैसे क्राइम रेट, हमने पता किया जो अगल बगल के 2-4 जिलों में मुझे महसूस है कि हमारे यहाँ क्राइम रेट भी कम है। इस तरह से सूबे के मुखिया लगातार ये बात कहते हैं कि उन्होंने जितना काम किया उतना शायद ही किसी ने किया। किसानों की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जितना समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया उतना शायद किसी ने नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये जो वादे उन्होंने किए थे, क्या वो सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं? जो मैनिफेस्टो में उन्होंने तमाम चीजें कही थी वो पूरी हो चुकी हैं? वादे ही नहीं पूरे हुए हैं, जो वादे किए थे तो पूरे किए ही किए हैं, जो नहीं किए थे वादे वो भी काम पूरे किए। बहुत से ऐसे काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारी सरकार ने किया है कि जो हमारे मैनिफेस्टो या वादों में नहीं था, लेकिन मैनिफेस्टो में जितना था तो कंप्लीट 4 साल होते होते सारे वादों को उन्होंने पूरा कर दिया था और काम उसी रफ्तार, उसी गति से, तेज़ी से हो रहा था। साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने समाजवादी पार्टी का एक नया चेहरा भी स्थापित किया, जो हमारे ऊपर ये लगता था कि समाजवादी पार्टी में ऐसी पार्टी है, इस तरीके का तमाम बातें, भ्रांतियाँ लोग प्रचार कर, उसको उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने अब जो एक जातिगत पार्टी कही जाती थी या कुछ भी कहा जाता था, लेकिन उसको आज विकास के नाम की पार्टी के रूप में उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने स्थापित किया। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे इस पूरे देश में और मुख्यमंत्री जैसा कोई चेहरा हो कि जो उनको कम्पीट कर सके, उनके कामों को कम्पीट कर सके। हम बातचीत भी होती, हम लोग भी जाते हैं तो बातचीत कोई दूसरी बात नहीं, विकास की बात, हमारे किसानों का कैसे हित होगा, क्षेत्र का कैसे हित होगा। और मुझे तो बहुत अच्छा, मैं क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं आया था शौकिया समाज सेवा करने के नियत से, और मैं 4 बार चुनाव हारा, लगातार 5वां चुनाव था, मैं जीता हूँ, 4 बार हारा हूँ,
दो बार निर्दल लड़ा था, जीतने की स्थिति में नहीं था मैं जानता था, और दो बार किसी परिस्थितियों ने चाहे सरकार के अगेंस्ट लड़ा था, बाई इलेक्शन था, इस तरीके से हो गया था। लेकिन इस बार जब मैं जीत के आया और मुझे जब काम करने का मौका मिला तो मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। दुबे जी, ये बात कही जाती है कि पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो वहां पर ब्राह्मण चेहरे के रूप में एक आप सामने निकल कर आते हैं, समय समय पर पार्टी के लिए अपनी उपयोगिता भी साबित करते रहे हैं, तो आपको लगता है कि ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है? क्योंकि हमेशा से आरोप लगता आया है कि ब्राह्मण ठाकुर ये सब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी। एक्चुअली जो आप कहते हो ये बात तो सच है कि सच स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी का मूल वोटर ना ब्राह्मण है ना ठाकुर है, नहीं था इसके पहले। लेकिन जो पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो बसपा से बहुत त्रस्त था ये समाज, और विकल्प के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी को माननीय अखिलेश जी के लोगों ने लाइक किया और पसंद करके सरकार बनाई, वोट दिया था। लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव आया तो फिर वो जो एक था उम्मीद कि उन्होंने विधानसभा में दी लोकसभा में मिलेगा, तो उतना हम लोग को नहीं मिल पाया, जो हमारी उम्मीदें थी एक्सपेक्टेशन थे नहीं मिले थे। लेकिन इन दिनों मैं 1.5-2 साल से देख रहा हूँ कि प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री जी के नाम पर ये समाज भी, ब्राह्मण समाज हो चाहे बनिया समाज हो चाहे ठाकुर समाज, सभी समाज के जिसमें तो ब्राह्मण विशेष करके, ब्राह्मण को ऐसे ही भाजपा से तरजीह बिल्कुल करीब करीब ख़त्म, जो इनको एक था मैं गलत फहमी थी उसको ख़त्म कर दिया भाजपा वालों ने, सभी को एक तरीके से बड़ी बुद्धि के साथ इन लोगों ने, इस पार्टी के लोगों ने बड़ी बुद्धि के साथ ब्राह्मणों को वहाँ साफ कर दिया। ब्राह्मण समझता तो है और उसके पास जब बेस्ट जो विकल्प भी है और उनको अच्छा भी लगता है। कभी कभी जैसे लोगों से बात हम लोग की बातचीत होती है, जब मुख्यमंत्री जी की बात होती है तो लोग कहते हैं ब्राह्मण के बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इन्होंने अच्छा काम किया है और इनको फिर बनना चाहिए। अगर इतनी झंझावात या जो भी उनके लोगों कहने की बातें जो सोचते हैं कि पहली बार बने और जिस तरीके से काम, अब तो ये काम करने के लिए और प्रशस्त हो रहे हैं, एक मौका इनको और दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से, और इस बार किसी चीज़ पे नहीं अखिलेश जी के नाम पे हम लोग जुट करके देंगे। तो ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से हमारे पूर्वांचल, जहाँ तक मैं 10-15 जिला में जो घूमता हूँ या लोगों से संपर्क संबंध है, क्योंकि हम लोग सोशल वर्कर सीधे सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, सोशल वर्कर हैं, किसी की भी दिक्कत तकलीफ में किसी भी जात बिरादरी का सभी का काम करते हैं। तो एक है कि हमारे समाज में लोग मानते हैं, सम्मान देते हैं, तो लोगों से जब बात होती है तो आज के डेट में हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को और अखिलेश जी को मुख्य रूप से निश्चित रूप से बड़ी संख्या में वोट देने जा रहा है और फिर से जिताने जा रहा है। पिछली बार दिया था, पिछली बार उसकी दिक्कत थी, मायावती को हटाने के लिए दिया था, इस बार अखिलेश जी को बनाने के लिए देगा और वो खुशी खुशी देगा। हम तो कई सरकारों को देखे हैं कि 4-5 साल की सरकार होती है, 3-4 साल चलाने के बाद एंटी इनकम्पेंसिटी होती ही होती कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे भी ताज्जुब लगता है कि इस बार ऐसा कहीं कोई माहौल नहीं, बल्कि उनके प्रति एक अलग प्रेम। नौजवान तो पागल है, नौजवान की कोई जात अब ऐसी हो गई कि नौजवान की कोई जात ही नहीं रह गई अखिलेश जी के लिए। वहाँ पे नौजवान कुछ नहीं, उनको उनके अंदर अपने आप को जीता हो देखता है और वो सोचता है कि अगर राजनीति में इनसे यही हम लोगों के, हमारे प्रदेश के, हमारे विकास के भविष्य हैं, तो माननीय अखिलेश जी। मैं समझता हूँ कि यहाँ ऐसी कुछ नहीं, बनिया भी वर्ग भी पूरी तरीके से जुड़ रहा है, क्योंकि मैं ब्राह्मण होने के साथ साथ व्यवसायी भी हूँ, तो अच्छा व्यवसायियों की तकलीफ़ और ये भी तमाम चीज़ जानता हूँ। हमारे यहाँ जैसे कि टाउन एरिया, एक बड़ा काम हमने टाउन एरिया, हमारा इस सरकार में टाउन एरिया हुई बदलापुर, तो पहले जैसे बनिया तंत्र जब टूटने लगा, चौड़ीकरण होने लगा, तो लोग गुस्सा भी, यहाँ तक इवन गाली भी देते थे, हमने अपने कानों से सुना है लोगों ने गाली दिया। लेकिन मैं जानता था कि इनकी ये तकलीफ़ है, अभी तो टूट रहा है इनको खराब लग रहा है, लेकिन जब ये टूट के बन जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, तो इनको आज वही बनिया बिरादरी के लोग इतना खुश हैं और तमाम बुला बुला कार्यक्रम, बल्कि मैं पूछा हंसते एक दो लोगों से पूछा कि भाई तुम लोग तो उस समय मुझे गाली दे रहे थे, तो बोले भैया नहीं समझ पा रहे थे, उस समय तकलीफ़ हो रही थी इसलिए दे दिया, लेकिन आज हमारे कस्टमर बढ़ गए, लोगों का फुटफॉल बढ़ गया, हमारी दुकानदारी बढ़ गई, औरतें यहाँ तक कहते हैं कि हम लोग एक नर्क जैसी ज़िंदगी में, न नाली थी, न सड़क चौड़ी थी, न गाड़ियाँ आ पाती थी, एक जैसे ला के शादी ब्याह करके माँ बाप दे दिए और इसी में एक ज़िंदगी कोठरी में बितानी है, उसको आपने कम से कम परिवर्तित। तो मुख्य चीज़ है कि जब काम होता है, बेहतर काम होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जैसे आज मेट्रो रेल खड़ी कर दिए, करीब करीब होने जा रही, तमाम ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं गिनाएंगे, जितनी योजनाएं हैं, योजनाओं के बारे में आप जानते हैं, चाहे कन्या विद्यादान हो, लैपटॉप हो, पढ़े बेटियां, बड़े बेटियां, श्रम विभाग की योजनाएं हैं,
एम्बुलेंस 108 है, 102, ऐसे तमाम तमाम योजनाएं तो मुझे सब याद हैं, बताई जा सकती हैं। तो इतना काम किया, काम लोगों को काम चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और हम लोग भी अच्छा खुशी इस बात की होती है कि जैसे कि जब आपके मन का कोई मिल जाता है, आप भी अगर बेहतर सोचते हो, मन का मिल जाता है तो मज़ा आता है। तो बनिया समाज भी वो भी साथ में है, जुड़ा है हमारे पास, हम तो जहाँ देख रहे हैं, जहाँ तक देख रहे हैं उसको भी अच्छा है बहुत सी चीज़ों के लिए। और लेकिन दुष्प्रचार दुष्प्रचार है, विपक्ष हमारा झूठ बोलता है, दुष्प्रचार करता है, तरीके तरीके से अफवाहें फैलाता है, उससे हम लोगों को बचना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, जितना मैं देख रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, उसमें आम आदमी का है कि वो एक बार फिर से अखिलेश चाहे जो हो एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाना है, उसने सोच रखा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश दुबे और पापा दुबे।